मयपुरी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हम आपसे पूछेंगे एक सवाल जिसका जवाब इसी बुलेटिन में होगा। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा आज का सवाल है, शूटिंग के दौरान सेट पर कौन सा एक्टर हुआ बेहोश। कार्तिक सारा की बढ़ रही है नजदीकियां, पटौदी निवास घूमने निकली सारा। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों कलाकार एक दूसरे के बेहद करीब हो गए हैं। खबरें आ रही हैं कि सारा अली खान कार्तिक को पटौदी स्थित अपने पैतृक निवास स्थल ले गई। खबरों की माने तो कार्तिक आर्यन लखनऊ में पति पत्नी और वो की शूटिंग के लिए गए हुए थे, वहां पर सारा अली खान भी थी। दिल्ली रवाना होने से पहले सारा कार्तिक को पटौदी स्थित अपने घर ले गईं। सारा ने कौशल वीक 2019 में अपना डेब्यू रैंप वॉक किया। इस मौके पर कार्तिक संग सारा के भाई इब्राहिम अली खान भी मौजूद थे। अगले दो साल में माँ बन सकती है प्रियंका चोपड़ा, ज्योतिष ने गिना ये संयोग। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की शादी के तकरीबन 7 महीने बाद जो सवाल लगातार फैंस के जहन में है वो ये कि क्या प्रियंका चोपड़ा जल्द ही मां बनने वाली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूमरोलॉजिस्ट संजय बी जुमानी ने बताया कि प्रियंका चोपड़ा अगले 24 महीने के भीतर मां बन सकती हैं। संजय बी जुमानी के हवाले से बताया गया है कि प्रियंका चोपड़ा के लिए 9 नंबर सबसे लकी है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 18/7/1982 में जन्म की तारीख 8+1 को जोड़ने पर 9 आता है। जिस साल में वो पैदा हुई हैं उसमें भी 9 अंक आता है। संजय जुमानी के मुताबिक उनकी उम्र 36 साल से ऊपर हो चुकी है और 3+6 को जोड़ने पर भी 9 आता है। प्रियंका चोपड़ा की उम्र 18 थी जब वो मिस वर्ल्ड बनी। फैशन और दोस्ताना जैसी उनकी फिल्में उन्होंने 27 साल की उम्र में की थी। उनकी शादी 36 साल की उम्र में हुई और इसी तरह से अन्य कई संयोग उनकी जिंदगी में बने हैं। आयुष्मान खुराना की फैमिली संग अमिताभ बच्चन ने दिया पोज। आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन फिल्म गुलाबों सिताबों में नजर आने वाले हैं। दोनों पहली बार स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। अमिताभ और आयुष्मान लखनऊ में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वहीं आयुष्मान के भाई और एक्टर अपार शक्ति खुराना अपने पेरेंट्स संग लखनऊ शूटिंग सेट पर पहुंचे। अब अपार शक्ति खुराना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म की पोस्ट रैपअप फोटो शेयर की है। फोटो में आयुष्मान खुराना की फैमिली संग अमिताभ बच्चन भी पोज दे रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए आयुष्मान ने लिखा, #बच्चन साहब, #फादर साहब, #भाई साहब। फिल्म जवानी दीवानी से करीना हुई आउट, तब्बू ने मारी एंट्री। सैफ अली खान की फिल्म जवानी जाने मन का ऐलान कुछ समय पहले ही हुआ। पिछले कुछ दिनों से एक तस्वीर देखकर लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आती रहीं कि इस फिल्म में उनके साथ उनकी पत्नी करीना कपूर नजर आएंगी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि इसमें करीना नहीं बल्कि तब्बू नजर आएंगी। तब्बू ने खुद ही सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि वो इस फिल्म में नजर आने वाली हैं। तब्बू ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना फर्स्ट लुक दिखाया है। इसमें ये एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर खड़ी नजर आ रही हैं, बूट्स और डेनिम के साथ ब्लैक शर्ट में उनका बहुत ही ग्लैमरस अवतार दिख रहा है। शूटिंग के बाद ब्लैक ड्रेस में नजर आईं दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार की जाने वाली दीपिका पादुकोण मुंबई में कुछ इस अंदाज में नजर आईं। दीपिका की तस्वीरें उस वक्त क्लिक की गईं जब वो शूटिंग के बाद मुंबई के एक होटल से बाहर निकल रही थीं। इस दौरान दीपिका ब्लैक ड्रेस में नजर आईं। दीपिका फिल्म छपाक में नजर आने वाली हैं जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। शूटिंग के दौरान सेट पर बेहोश हुए वरुण धवन। वरुण धवन के फैंस के लिए बुरी खबर है। वरुण स्ट्रीट डांसर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, इसी दौरान वरुण बेहोश हो गए। वरुण कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे जिसके बाद भी लगातार शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान अचानक चक्कर आया और वो बेहोश हो गए। फिलहाल वरुण ठीक हैं। ये ऐसा पहला मामला नहीं है जब कोई एक्टर शूटिंग के दौरान बेहोश हो गया हो। इससे पहले भी कई सारे एक्टर शूट के दौरान बेहोश हो चुके हैं। टेलीविजन के पॉपुलर शो कुल्फी कुमार बाजेवाला में सिकंदर कुमार गिल का किरदार निभाने वाले मोहित मलिक शूट के दौरान बेहोश हो चुके हैं। टीवी की सिमर और बिग बॉस विनर दीपिका कक्कड़ भी शूटिंग के दौरान बेहोश हो चुकी हैं। टीवी के पॉपुलर एक्टर राजीव खंडेलवाल भी सेट पर शूटिंग के दौरान बेहोश हो चुके हैं। राजीव के साथ ये हादसा टॉक शो जज्बात के दौरान हुआ था। अनुष्का शर्मा ने रोहित शर्मा पर किया पलटवार। क्रिकेट के गलियारों में खबर चल रही है कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इन्हीं खबरों के बीच फिर सुनने में आया कि रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को अनफॉलो कर दिया है। इन सब के बीच अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर स्टेटस पोस्ट किया जिसे भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा के खिलाफ निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अनुष्का ने अपने इंस्टा स्टेटस में लिखा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार भी कुछ नहीं कहा है, सिर्फ सच्चाई ही है जो झूठे दिखावे में पड़े बिना खामोशी से रह सकती है।
बॉलीवुड में कमबैक से पहले शिल्पा शेट्टी ने करवाया हॉट फोटोशूट। 12 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार शिल्पा शेट्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बॉलीवुड में कमबैक से पहले शिल्पा शेट्टी ने ग्लैमरस फोटोशूट कराया है, जिससे फैंस के लिए निगाहें हटा पाना मुश्किल हो रहा है। अपने इस फोटोशूट में वो गजब की खूबसूरत लग रही हैं। उनका स्पेशल फोटोशूट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि शिल्पा ने ये फोटोशूट थाईलैंड में करवाया है। सामने आई शिल्पा की इन तस्वीरों में वो कभी अलग अलग कलर के आउटफिट कैरी किए हुए हैं। वो कभी येलो रंग की ड्रेस में कहर बरपा रही हैं, तो कभी वो पिंक और रेड ड्रेस में नजर आ रही हैं। इंडो वेस्टर्न अवतार में शिल्पा खूबसूरत नजर आ रही हैं। धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने सेलिब्रेट किया बेटी अहाना का बर्थडे। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने अपने पूरे परिवार के साथ अपनी बहन अहाना देओल का बर्थडे सेलिब्रेट किया। अहाना के बर्थडे को देओल फैमिली ने एक साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरों में धर्मेंद्र हेमा मालिनी, अहाना के पति वैभव वोहरा, ईशा और उनके पति भरत तख्तानी अपने बच्चों संग नजर आ रहे हैं। बर्थडे पार्टी की फोटो में अहाना अपने बेटे के साथ मिलकर अपना बर्थडे केक कट करती हुई दिखाई दे रही हैं। अहाना के बराबर में खड़े उनके पिता धर्मेंद्र काफी खुश नजर आ रहे हैं। अहाना के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद देओल परिवार मुंबई के जुहू स्थित होटल से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया। धर्मेंद्र होटल से निकलते वक्त फैंस से मिलते हुए नजर आए, साथ ही वो फैंस से हाथ मिलाते भी दिखे। अर्जुन रामपाल ने न्यूली बॉर्न बेबी का रखा नाम। अर्जुन रामपाल ने अपने न्यूली बॉर्न बेटी की क्यूट फोटो शेयर करते हुए अपने बेटे के नाम के बारे में जानकारी दी है। अर्जुन के फोटो में उनके नन्हे बेटे की हल्की सी झलक नजर आ रही है। अर्जुन अपने लिटिल प्रिंस के नन्हे नन्हे हाथ थामे हुए हैं। बेटे संग अर्जुन की ये फोटो बेहद क्यूट है। अर्जुन ने बेटे की इस फोटो के एक इमोशनल मैसेज के साथ शेयर किया है। अर्जुन ने लिखा, आंसू, खुशी, आभार और रोशनी से बनी एक कीमती चीज। हमारी जिंदगी में इंद्रधनुष के सभी रंग भर गए। हम बहुत लकी महसूस करते हैं। जूनियर रामपाल का हमारे जीवन में स्वागत है। आप सभी का शुक्रिया आपके प्यार और खूबसूरत दुआओं के लिए। बेबी अरिक रामपाल को हेलो कहिए। अर्जुन रामपाल के इस पोस्ट से साफ जाहिर है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम अरिक रामपाल रखा है। एक बार फिर बता दें, हमारा आज का सवाल है, शूटिंग के दौरान सेट पर कौन सा बॉलीवुड स्टार हुआ बेहोश? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। मायापुरी न्यूज में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।